Hi, good evening. One more piece of relevant information I like to share with you all guys that our essential list of drugs medicines is out by the government of India जिसको वो कंट्रोल करती है उनके प्राइस को तो वो भी आउट हो गई है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 36 ड्रग्स को इन किया गया है और 24 ड्रग्स को आउट कर दिया गया है लिस्ट से। और आज की डेट पे अगर हम बात करें तो टोटल 384 ड्रग्स कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, जो वो चाहे वैक्सीन हो, चाहे एंटीबॉडीज हो, या फिर मेडिकल किसी तरह का मेडिकल डिवाइस या इक्विपमेंट हो, या एंटी कैंसर मेडिसिंस हो। तो ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था 1996 में बेसिकली, सो दैट कि अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पुअर जो पीपल हैं उनको मिले मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन की। और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करती रही है गवर्नमेंट, जैसे पहला रिवीजन उन्होंने 2003 में किया, फिर 11 में, 15 में, अब 2022 में। बहुत सारे मेजर जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेनिफिट भी होने वाला है जिनका कंट्रोल लिस्ट से ड्रग बाहर आ जाएगा, और बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होने वाले हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, जिनको रेवेन्यू लॉस भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो अगर हम लॉस वाली बात करें तो जैसे कंपनीज हैं, सनोफी हो गया आपका, एस्ट्राजेनेका हो गया आपका, और मैनकाइंड हो गया, ऐसे चार पांच कंपनीज हैं जिनको ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि 1400-1500 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो सकता है आने वाले टाइम पे, बिकॉज उनके कुछ ड्रग्स जिनको मतलब एवरेज प्राइस से ऊपर पाया गया, 8 से 12%, 13%, वो उनको कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। और कुछ ऐसी कंपनीज, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके लिस्ट से आउट हो गया है ड्रग, जैसे जेबी केमिकल है, और जेबी केमिकल का एक जो ड्रग है, मतलब ये मेडिसिन है जिसको हम रेंटेक बोलते हैं, वो काफ़ी समय से उसके रॉ मटेरियल की शॉर्टेज के इशू भी मतलब फेस कर रहे थे, अब उसको भी कंट्रोल लिस्ट से आउट कर दिया गया, तो डेफिनेटली इस गोना हेल्प देम उनको सेल्स में, और बेनिफिट होने वाला है। तो 14-15 मेजर जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको गेन और लॉस होने वाला है इसमें, कैडिला, सिप्ला, एस्ट्राजेनेका, ग्लैनसमिथ, आपका ग्लैनमार्क हो गया, देन आपका मैनकाइंड हो गया, ये सारी मेजर मेजर कंपनीज हैं। गवर्नमेंट बेसिकली प्राइस को इसलिए कंट्रोल करती है ताकि बेस्ड ऑन सेफ्टी, एफिकेसी एंड कॉस्ट की, ताकि हम लोग, हम जैसे आम आदमी लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी बने जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिवीजन सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा जो भी कंज्यूमर्स हैं। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।